नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। प्रदेश भर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बहाने प्रदेश सरकार पर कांग्रेस का हमला। अजीत शर्मा का दावा, VIP के विधायक कांग्रेस में होंगे शामिल। भागलपुर समेत प्रदेश भर में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने प्रदेश सरकार पर करारा जुबानी हमला कहा है। उन्होंने कहा है कि अपराध को रोकने में नाकाम NDA सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। वहीं उन्होंने कहा है कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए विफल CM नीतीश सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। रुपेश हत्याकांड मामले में BJP नेता की CM नीतीश से अपील, लापरवाह अधिकारियों पर हो सख्त कार्रवाई। राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल रुपेश हत्याकांड के बाद सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा होने लगा है। रुपेश हत्याकांड के बाद BJP के पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता RK सिन्हा ने लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। फर्जी क्लिनिकों पर कार्रवाई करने की उठने लगी है मांग। जाप ने आंदोलन करने की दी है चेतावनी। जन अधिकार पार्टी कार्यालय में बुधवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए युवा शक्ति जिला चंदन सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य माफियाओं का बोलबाला है। फर्जी क्लिनिक वाले की वजह से गरीब मजदूर लूटे जा रहे हैं। जिले में फर्जी क्लिनिक और फर्जी जांच घर खुले आम संचालित हो रही। उन्होंने कहा कि एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी, सिविल सर्जन, IMA के अध्यक्ष और सचिव मिलकर ऐसे फर्जी जांच घर और फर्जी क्लिनिक पर जांच कर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। 15 दिन के अंदर फर्जी जांच घर एवं फर्जी क्लिनिक बंद नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, शिक्षा मंत्री को दिखाए काले झंडे, दूर तक दौड़ाकर किया पीछा। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे शिक्षा विभाग मंत्री अशोक चौधरी को काला झंडा दिखाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकर्ताओं ने उनकी कार के शीशे पर हाथ भी मारा। अशोक चौधरी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने सही सलामत वहां से निकाल लिया। वाहरे सुशासन, फिर मारी गोली, बोले CM के लाडले विधायक, दोस्ती में गोली मारना अपराध थोड़े है। नवगछिया पुलिस जिला में अपराध चरम सीमा पर है। गोलियां चला देना वहां के अपराधियों के लिए आम बात हो गई है। ताजा मामला रंगरा थाना क्षेत्र के मदरौनी का है, जहां देर रात अपराधियों ने शिव मंदिर के समीप 22 वर्षीय मनीष को गोली मार दी। घटना की सूचना पर मनीष के परिजनों ने घायल मनीष को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल यहां भी अपने विवादास्पद बयान देने से पीछे नहीं। उन्होंने कहा कि दोस्ती में गोली मारना या लगना यह अपराध थोड़े ही है। गांजा और शराब हेरोइन के साथ 95 तस्कर गिरफ्तार, 2 अनुमंडल में पुलिस का रात भर चला अभियान। कैमूर जिले में SP के निर्देश पर भभुआ और मोहिनिया अनुमंडल में रात्रि में अभियान चलाया गया, जहां भभुआ अनुमंडल में कुल 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मोहिनिया अनुमंडल में 42 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही शराब, गांजा और हेरोइन भी बरामद किया गया। प्रशासन की मदद से एन समय पर बाल विवाह रोकने में सफल हुआ चाइल्ड लाइन। किशनगंज में चाइल्ड लाइन ने पुलिस और प्रशासन के सहयोग से बाल विवाह की घटना को रोकने में कामयाब हुई। चाइल्ड लाइन की टीम शादी के ठीक पहले मौके पर पहुंच गई और कानून अवैध घोषित शादी को रोक दिया। दोनों बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की जाँच से भी यह स्पष्ट हो गया कि यह अभी नाबालिग है। 4 माह में मिला इंसाफ, राजगीर गैंग रेप के सभी 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा।
नालंदा में बीते साल सितंबर माह में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर की पहाड़ी पर नाबालिग छात्रा से हुए गैंगरेप मामले में बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय के फॉस्को के विशेष न्यायाधीश एडीजे मंजूर आलम ने सभी 7 अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी को 20 साल की जेल, 8 साल की बच्ची से रेप करने पर कोर्ट ने सजा सुनाई। भागलपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में भागलपुर के पॉक्सो कोर्ट में विशेष अदालत ने एक अपराधी धर्वेंद्र कुमार को दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट ने अपराधी को 20 वर्ष की श्रम सजा सुनाई है, वहीं 10,000 रुपए का साथ ही जुर्माना भी दिया गया। साथ ही पीड़ित बच्ची को राज्य सरकार 5,00,000 रुपए मुआवजा देगी। युवती पर 3 माह से निकाह करने के लिए बना रहा था दबाव, नहीं मानी तो अश्लील फोटो को कर दिया वायरल। सोशल मीडिया जितना लोगों के लिए फायदा पहुंचाता है, वहीं कभी कभी इतना इस्तेमाल गलत काम के लिए भी किया जाता है। जैसा कि भागलपुर जिले में जगदीशपुर में एक युवक ने सिर्फ इसलिए युवती की एडिट की हुई अश्लील फोटो वायरल कर दी क्योंकि युवती ने उसे निकाह करने से इनकार कर दिया था। युवक उससे 3 माह से शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। वायरल फोटो सामने आने के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052443।